वाहन के चालकों को कई माह से वेतन नहीं। शव ढोने वाले वाहन के चालकों को क्या सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? चालकों का कहना है कि कई माह से वेतन नहीं मिला है, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पीने का पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। कई बार अपनी बातें रखी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या है आपका परिचय? मैं राकेश कुमार, SKMCH MV का ड्राइवर हूँ। MV मीन्स मर्चुरी वैन। अच्छा, सब वाहन का ड्राइवर हूँ। अच्छा, और 11/2 को हम लोग ज्ञापन भी दिए थे यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब को। अच्छा। जो कम से कम कहीं एक रहने और कम से कम एक नित्य कर्म से फ्री होने के लिए कुछ व्यवस्था करवा दिया जाए, लेकिन अभी तक तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इमरजेंसी से हम लोगों को उठा करके इधर ट्रामा सेंटर कर दिया गया। यहाँ हम लोग सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, न पानी पीने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, सोना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात है, 3 महीना पुर गया, 4th महीना चालू हो गया, पेमेंट नहीं मिला। भुखमरी के कगार पे है, धूप में जॉन्डिस पकड़ा करके और बैठे रहते हैं गाड़ी पे। क्या आप बताइए आपका परिचय? सतवन चौधरी, ड्राइवर, SKMCH 102 एम्बुलेंस। अच्छा, क्या है समस्या, बोलिए, मुख्य समस्या क्या है आपका? हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग को तो कोरोना के काल में हम लोग को दिन रात मेहनत करके सरकार ने हमसे, चाहे जो हमारी कंपनी है जो चला रही है, हम लोगों को दिन रात मेहनत करके कार्य लिया गया और ले रहे हैं, मगर पेमेंट अभी तक नदारद है कि 4th महीना चल रहा है और उसके बाद कि न रहने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, कोई सा व्यवस्था नहीं है। हम लोग दिन रात यहाँ रोड पे गाड़ी लगा के यहाँ कैंपस के अंदर में बिजली विभाग के गेट पे बैठे रहते हैं और हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुँचे हुए हैं। ड्यूटी 24 घंटा? जी, 24 आवर्स। बोलिए, आपका क्या परिचय हुआ? जी, मनोहर कुमार, EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। क्या है समस्या? है जो सबसे पहले बाथरूम का समस्या है, जो हमें सभी स्टाफ जाते हैं कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाके बाथरूम करते हैं, स्नान करते हैं। कभी कभी कोई भी स्टाफ को 2 दिन स्नान भी नहीं लोग कर पाते हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। और एक छाया जो होता है, जिस पर जहाँ आदमी थोड़ा लेट सके या कहीं अपना आराम कर सके, बैग रख सके, मोबाइल चार्ज कर सके, ये सब का कोई व्यवस्था नहीं है। कितने बार भी जो HMs महोदय हैं उनको रिक्वेस्ट की, आग्रह किए, जैसे सर कम से कम एक, जो मेरे स्टाफ 16 स्टाफ रहते हैं एक शिफ्ट में, उनको कम से कम सर कम से कम रहने का व्यवस्था दे दीजिए, जो बैग रखे, अपना कपड़ा लत्ता रखे। उस सब पर सर बोलते हैं, सर सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद उन पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। क्या आप बताइए, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? उदय कुमार सिंह, 102 ड्राइवर, मुजफ्फरपुर। क्या है मामला आपका? मामला है कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर से हम लोग आते हैं, यहाँ आके लेटरिन बाथरूम, न रहने का न सोने का कोई व्यवस्था नहीं। उल्टा HM सर को कहते हैं तो तुम उसका रिक्स लेगा, अगर नलो लगवा देते हैं तो पब्लिक प्लेस हो जाएगा। यानी ऐसा, तुम इसका लिखित दो तो हम लगाते हैं, फिर कल जवाब देना है। यही सब समस्या है। वेतन का रह गया तो 3-4 महीना हो ही गया, वही है कि खाएंगे या नहाएंगे, बस यही रह जाएंगे। वेतन नहीं मिल रहा है अभी तक? नहीं मिल रहा है, दिसंबर तक हुआ है, उसके बाद वेतन ही नहीं मिला। अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं, दिसंबर का भी नहीं मिला है।